यूपी के इस छोरे ने साइकिल से नाप दी हजारों किलोमीटर सड़क और बना दिया अनोखा रिकॉर्ड, तो अखिलेश यादव ने किया सम्मानित। एक ऐसा रिकॉर्ड यूपी के लड़के ने बना डाला जिसे तोड़ने में निकल जाएगा लोगों का तेल, लेकिन इस छोरे ने फर्राटा भरने वालों के सामने पेश कर दी चुनौती। कहा, दम है तो फिर रिकॉर्ड तोड़ो। देखिए कौन है ये लड़का और कैसे बनाया इतना सफल और बड़ा रिकॉर्ड। अखिलेश यादव मिले तो बोले, आप आगे बढ़ो, हम आपका साथ देंगे। हर हिंदुस्तानी के रोम रोम में राम बसते हैं और श्री राम तो यूपी वालों के लिए ऐसी प्रेरणा है कि उनका नाम लेकर लोग बड़े बड़े रिकॉर्ड बना देते हैं। और ऐसा ही किया है यूपी के इस छोरे ने, जिसने अपनी साइकिल से फर्राटा भर ऐसा गदर काटा है कि अब हर कोई उसकी हिम्मत की दाद दे रहा है और सलामी ठोक रहा है। 8000 किलोमीटर तक साइकिल चलाई और तय समय से भी कम वक्त में अपना काम करके दिखा दिया। रिकॉर्ड होल्डर ने जब पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की तो फिर हलचल और तेज हो गई। अखिलेश यादव ने जहां इस छोरे को सम्मानित किया है तो साथ ही कहा है कि आप आगे बढ़ते जाइए, हम हर हाल में हर स्थिति में आपके साथ हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये छोरा कौन है, तो फिर चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं और बताते हैं कि कैसे 8000 किलोमीटर का सफर इस लड़के ने एक साइकिल से रिकॉर्ड समय में तय कर लिया। दरअसल इस रिकॉर्ड के तार जुड़े हैं श्रीराम की अयोध्या से। अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनकर तैयार होने वाला है। यूपी समेत देश के माहौल को राममय बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं अयोध्या निवासी अभिषेक सावंत श्रीवास्तव ने ऐसे में अयोध्या से रामेश्वरम तक की अनोखी यात्रा की है। मन में इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अभिषेक भगवान श्रीराम के मार्ग पर चल निकले। एक बार निकले तो तमिलनाडु के रामेश्वरम तक की पूरी यात्रा करके ही वापस लौटे। अभिषेक सावंत ने अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक की करीब 8000 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। रामायण को पढ़ते हुए आप पाएंगे कि भगवान श्री राम ने 14 साल के वनवास के दौरान अयोध्या से रामेश्वरम तक पैदल यात्रा की थी। उसी यात्रा को अयोध्या के ही अभिषेक ने साइकिल से पूरा किया। यात्रा पूरी करने के बाद अभिषेक ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने अभिषेक के उज्जवल भविष्य की कामना की और उनकी साहसिक यात्रा के लिए बधाई भी दी। अयोध्या के रिकाबगंज निवासी अभिषेक सावंत श्रीवास्तव ने कहा कि रामेश्वरम तक जिस तरह से प्रभु श्री राम गए थे, उसी तरह हम भी रामेश्वरम तक गए। उन्होंने बताया कि कई ऐसे स्थान है जहां जाना असंभव है, इस कारण वो उन स्थानों पर नहीं जा पाए। अभिषेक ने बताया कि कई ऐसे मंदिर जो बहुत अच्छी अवस्था में हैं, जबकि कुछ ऐसे मंदिर भी मिले जो अब जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों को लेकर अधिक मान्यता है वो बन रहे हैं, वहीं कई ऐसे मंदिर भी हमने देखे जहां पर लोगों को पता ही नहीं है कि वहां प्रभु श्री राम आए थे। उन्होंने बताया कि अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक 250 के करीब ऐसे स्थान है जहां से प्रभु श्री राम गुजरे थे। अभिषेक ने इसमें 180 से 190 स्थानों को टच किया। अभिषेक ने बताया कि हमारी यात्रा अक्टूबर तक चलनी थी, लेकिन अगस्त में ही मैं वापस आ गया। इसके कई कारण हैं, इसमें से एक मुख्य कारण साइकिल चलाना है। अभिषेक बताते हैं कि पहले वो साइकिल नहीं चलाते थे, इसीलिए उन्हें लगता था कि एक दिन में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगे। वे कहते हैं कि पता नहीं ऐसा कैसे हो गया कि एक दिन में 100 किलोमीटर की दूरी मैंने साइकिल से तय कर ली। वे इसके पीछे भगवान श्री राम की कृपा मानते हैं, इसी के कारण यात्रा समय से पहले पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान जैसे प्रभु राम को त्रेता युग में जन सहयोग मिला, कुछ वैसा ही सहयोग उन्हें भी मिला। अभिषेक ने बताया कि रामेश्वरम यात्रा के लिए निकलते समय उनके पास सिर्फ 1 रुपया था। रास्ते में लोगों के मिले जन सहयोग की वजह से पैसे की कमी नहीं पड़ी। 60 से 70 हजार रुपए खर्च हो गए। यात्रा के दौरान लोगों ने आर्थिक मदद के साथ साथ रहने, खाने और पीने की व्यवस्था की। आज उनके अकाउंट में 30 हजार रुपए हैं जो यात्रा के दौरान लोगों से मिले। अभिषेक की माने तो उनके पास साइकिल नहीं थी, लेकिन प्रभु की इच्छा से साइकिल, बैग और अन्य सामान भी लोगों से मिला। उन्होंने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से साइकिल से चलकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक होते हुए 5 अगस्त को तमिलनाडु के रामेश्वरम तक अपनी यात्रा पूरी की। अभिषेक सावंत ने अयोध्या से रामेश्वरम तक के लिए 6 अप्रैल को अपनी साइकिल यात्रा शुरू की थी। वहीं इस यात्रा को लेकर अभिषेक सावंत श्रीवास्तव ने बताया कि 115 दिनों में अपनी साइकिल यात्रा से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही समाज के हर वर्ग से जुड़ते हुए सामाजिक सौहार्द कायम करने की अपील की है। अभिषेक ने बताया कि इस यात्रा के दौरान तमिलनाडु में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां हिंदी भाषियों को अधिक मदद नहीं मिल पाती, इसका कारण कुछ भी पूछने पर लोग बता नहीं पाते, जिस वजह से कई स्थानों पर जाना संभव नहीं हो सका। अभिषेक ने कहा कि यात्रा के दौरान सुबह तड़के 4 बजे उठते थे, स्नान ध्यान करके 6-7 बजे के करीब आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते थे। सुबह के समय खाने पीने की दिक्कत होती थी, लेकिन दोपहर और रात में समय से व्यवस्था हो जाती थी। पूरे महाराष्ट्र में कहीं भोजन के लिए पैसे नहीं लिए गए, बल्कि दिए गए। 20 हजार रुपए उन्हें अकेले महाराष्ट्र से मिले। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के लिए 1 साल से तैयारी चल रही थी। पेशे से पत्रकार रहे अभिषेक सावंत अयोध्या को अच्छी तरह से जानते हैं। वो अनऑफिशियल अयोध्या टूर गाइड के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अभिषेक ने अयोध्या के पर्यटन का भी अध्ययन किया है। अभिषेक ने मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज, पूर्व राज्यपाल राम नाईक और कई IAS IPS अधिकारियों को अयोध्या में टूर गाइड के रूप में घुमाया है।
अभिषेक ने श्री रामचरितमानस और अनेक रिसर्चर्स के पेपर्स पढ़े हैं और उनको अच्छे से अध्ययन किया है। इसके अनुसार जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से शुरू करते हुए श्रीलंका में खत्म की। इस दौरान उनके साथ जिस जगह भी जो भी घटनाएं हुई उन 200 स्थानों की पहचान की गई है। इसमें से एक स्थान रामेश्वरम है जो तमिलनाडु राज्य में है। 14 साल वनवास के दौरान प्रभु श्री राम रामेश्वरम में भी रहे थे। रामेश्वरम को लेकर बताया ये भी जाता है कि सभी स्थानों में सबसे प्रसिद्ध रामेश्वरम वो जगह है जहाँ श्री राम की सेना की ओर से भारत और श्रीलंका के बीच पुल का निर्माण किया गया था। ये स्थान सुंदर विवेकानंद मंदिर और शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा भी माना जाता है कि माता सीता ने श्रीलंका से लौटते समय यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी। अभिषेक बताते हैं कि रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने पश्चाताप के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए समुद्र में स्नान किया था, उसको अग्नि तीर्थ कहते हैं। वहीं रामेश्वरम की स्थापना की, सीता जी को जब प्यास लगी तो प्रभु श्री राम ने 22 कुंडों का निर्माण किया। वहाँ आज भी मीठा और ठंडा पानी मिलता है जबकि समुद्र का खारा पानी है। अभिषेक ने बताया कि अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक कई मंदिरों में पहाड़ों से पानी निकल रहा है, वो एक छोटी सी सुई के बराबर है। हालांकि कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि पानी कहां से निकल रहा है। अभिषेक ये भी बताते हैं कि रामेश्वरम में स्थित राम सेतु ब्रिज पूरा लुप्त हो चुका है, इसका एक कारण पानी का लेवल है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब रामेश्वरम का काफी हिस्सा डूब जाएगा। अभिषेक उस ब्रिज को देखने गए थे लेकिन धनुषकोटि तक ही पहुंच सके, उसके आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। अभिषेक ने अपनी यात्रा के ऐसे ऐसे वर्णन किए हैं कि सुनने वाले दंग रह जाते हैं और नए सुनने वाले लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनके यात्रा वृतांत को सुन रहे हैं। अभिषेक अब एक और नए मिशन को शुरू करने की तैयारी में है और उनका मानना है कि जल्द ही वो उस यात्रा पर भी जाएंगे जो 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।